हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चाओं पर झटका देने के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को फिर से एक बार जोर का झटका दे दिया है। जी हां, यह झटका आप पार्टी ने जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के स्टार पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की पूर्व खिलाड़ी कविता दलाल को अपना उम्मीदवार घोषित करके दिया है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने भी इससे पहले पूर्व वाणिज्यिक पायलट कैप्टन योगेश बैरागी को जुलाना से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। WWE के साथ अनुबंध करने वाली पहली भारतीय महिला कविता फोगाट की तरह जाट वोटों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगी, यह अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस पर 37 वर्षीय कविता ने कहा कि वह फोगाट का सम्मान करती हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। मेरी लड़ाई विनेश के खिलाफ नहीं बल्कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र में लोगों को हो रही परेशानियों के खिलाफ होगी। जुलाना विधानसभा क्षेत्र के मालवी गाँव के एक किसान परिवार में जन्मी कविता 2008 तक 75 किलोग्राम वर्ग में पदक जीत रही थी। हालांकि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के उनके प्रयास विफल रहे। गौरतलब है कि 2016 में वह दक्षिण एशियाई खेलों में 75 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन स्वर्ण की विजेता थी। 2017 में कविता को WWE अनुबंध मिला और बाद में उसने रेसलमेनिया और WWE एवोल्यूशन में भाग लिया। 2022 में कविता आप में शामिल हो गई और वर्तमान में वह इसकी राज्य खेल शाखा की प्रमुख है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र में आपकी कम उपस्थिति को देखते हुए उनसे बहुत ज्यादा चुनौती मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं स्थानीय कांग्रेस नेता भूप लाठर ने कहा कि फोगाट के संभावनाओं पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। कविता के लिए आपसे संजय ने जवाब देते हुए कहा कि एक पहलवान रिंग में उतरने के बाद कभी भी लड़ाई से नहीं डरता, उसके लिए लड़ाई एक लड़ाई है चाहे चुनौती कोई भी हो। फिलहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी की निगाहें जुलाना विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं क्योंकि आपकी इस बड़ी घोषणा ने अब जुलाना में चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प बना दिया है। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।